1 जुलाई 2024 से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी को खत्म कर दिया जाएगा। नए आपराधिक कानून के मुताबिक किसी भी इलाके में की किसी भी घटना की एफआईआर अब किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे जीरो एफआईआर के तौर पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। जीरो एफआईआर को सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में एफआईआर नंबर दर्ज कराई जाएगी। जांच की प्रगति और दर्ज एफआईआर पर की गई कार्रवाई को एफआईआर नंबर के माध्यम से ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इसमें 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने जा रहे हैं। नए कानून में प्रावधान है कि थाने पहुंचने वाले पीड़ित की शिकायत आधे घंटे के अंदर सुनी जाएगी। अगर उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया और मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया तो संबंधित थाने के अधिकारी पर कार्रवाई तय है। किसी भी पीड़ित को लंबे समय तक थाने में बैठाना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। सभी थानों में पदस्थापित विभिन्न केस के आईओ को लैपटॉप और एंड्रॉइड मोबाइल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी आईओ को उनका अलग अलग ईमेल दिया जाएगा। इसके बाद सभी सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क स्कीम पर सक्रिय हो जाएंगे। ये बदलाव 1 जुलाई से होंगे। एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान होगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक जांच भी अनिवार्य होगी। यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन के भीतर देनी होगी जांच रिपोर्ट। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर चार्ज निर्धारित करने का प्रावधान भी है। इसमें आपराधिक मामलों का फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। फरार आरोपी की अनुपस्थिति की स्थिति में 90 दिनों के भीतर मामला दर्ज करने और 3 साल के भीतर न्याय दिलाने का भी इसमें प्रावधान होगा।